और ये लोग बैंड पार्टी वाले सब नहीं बैंड पार्टी नहीं है ये उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ पे हालांकि ये सब हम लोग ये वाला ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाला पहनता है आगे समझ चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक टैंक बनाया और उस टैंक का नाम रखा हैदर टैंक और चाइना हैदर टैंक यहाँ पे जबकि ये चाइनीज टैंक है इसका नाम बदला गया हैदर टैंक चाइना इस टैंक को यूज नहीं करता है वो पुराना हो गया तो चाइना इसको दे दिया ये क्या किया उसका ढांचा ओंचा बदल के उसके नाम रख दिया हैदर टैंक अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है नहीं उसका टैंक पागल हो गया दोस्तों के चैनल एक क्योंकि बारे में आप लोगों को पता ही है तो जो लोग नहीं जानते होंगे वैसे वो इंडिया में है नहीं तो को कोई खान सर को जानता हो जो कि एक बहुत अच्छे टीचर है तो दोस्तों ये जो वीडियो है इस पे पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान के इशूज पे काफी अच्छी तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है जिस पे कई पाकिस्तानी चैनलों ने रिएक्शन दिया है और इस पर पाकिस्तानी लोगों का कहना क्या है वो हम वीडियो के एंड में जरूर देखेंगे और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में जय हिंद देखिए अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान ये तीनों को हम गोल्डन क्रेसेट कहते हैं गोल्डन क्रेसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अफ़ीम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है हालांकि ईरान के पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद अफगानिस्तान अफीम उत्पादन में पीछे रह गया अफीम उत्पादन पर तालिबान ने प्रतिबंध लगाया एक काम ठीक किया उसने कि अफीम उत्पादन में क्योंकि यहाँ अफीम उत्पादन होगा इनडायरेक्टली स्मगलिंग होकर पंजाब के रास्ते भारत में घुस जाता है और पंजाब इस सब मामले में एकदम त्रस्त हो गया था तो तालिबान ने अफीम पर प्रतिबंध लगाया जिस कारण पूर्वोत्तर में देखेंगे तो म्यांमार अभी दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन वाला देश बन गया है अभी इन तीनों देश में इस गोल्डन क्रेसेट में एक खास करके आतंक संगठनों तो को लेकर ये तीनों देश आपस में लड़ रहे हैं सब तीनों देश लड़ रहे हैं सब यहाँ पे इस एरिया में एक आतंकवादी संगठन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान इसे हम पाकिस्तान का तालिबान कहते हैं उसका कहना है कि यहाँ लोकतंत्र की सरकार हटाओ जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आया है उसी तरह पाकिस्तान में तालिबान रहेगा उसका नाम रहेगा टी टी पी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ये लोग यहाँ पर आतंक हमले करते हैं और अफगानिस्तान में भाग जाते हैं अफगानिस्तान में भाग जाएंगे और यहाँ पर अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करेगा तो अफगानिस्तानी लोग पे ऊपर कार्रवाई करने लगता है कहता है कि अब हमारी सीमा में क्यों चले गए तो पाकिस्तान अपने ऊपरी भाग में इस एरिया में टीटीपी से परेशान है वही अगर इसको देखेंगे निचले भाग में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो राज्य है वो बलूचिस्तान है और ये बलूचिस्तान है बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बी एल ए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसका कहना है कि हम पाकिस्तान में ही नहीं रहेंगे का कहना है कि हम सरिया कहन लगे इसका कहना है हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे तो ये पाकिस्तान में ना चाइना की नाक में दम कर रखा है चाइना का यहाँ ग्वादर बंदरगाह बना है यहाँ के सारे इंजीनियर को मार के भगा दिए सर यहाँ कोई चाइनीज काम करने आता है बी वाले मार के उड़ा देते हैं सर चाइना यहाँ पे एक सड़क लेके आ रहा है सी सड़क चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भारत के पीओके के होते हुए जा रहा है हालांकि भारत ने इसमें विरोध जताया कि आप हमारे एरिया से क्यों लेके जा रहे हैं लेकिन फिर भी ये एरिया तो चाइना पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसलिए वहां से सीपीसी लेके चला गया तो ये बीएलए वाले जो हैं, ये चाइना के लिए भी सरदर्द बन गए हैं सब और पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द बन के रह गए हैं सब अब बी वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमला करते हैं पाकिस्तानी आर्मी को मार के उड़ा देते हैं सब यहाँ पर और उसके बाद भाग जाते हैं सब ईरान में ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान ईरान की इस राज्य का नाम है सिस्तान राज है सिस्तान अब समझिए ध्यान से सिस्तान की एक अलग समस्या है पाकिस्तान कहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ भाग के चले आए सब अब सिस्तान क्या कहता है सिस्तान में ना ये एरिया में सुन्नी ज़्यादा रहते हैं सुन्नी सुन्नी बहुल एरिया है सिस्तान ये वाला एरिया और ये सिया बहुल सिस्तान वालों का कहना है कि हम ईरान में नहीं रहेंगे तो ये ईरान में मारते हैं सब पाकिस्तान में भागाते हैं सब तो मतलब इधर का आतंकवादी भागा इधर और इधर का आतंकवादी भागा इधर तो ये लोग आतंकवादियों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे तो इस पे बम मार रहा है ये इस पे मार रहा है ये इस पे मार रहा, रहा है ये इस पे मार रहा है यहाँ पे गजब ही सब भयानक उलझा हुआ है सब अभी के डेट में तो ये ये लोग हैं लोग भाई हम लोग के लिए तो भाई हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त जाओ भाई मारो और बढ़िया से मारो तुमको एकदम ऊपर वाला तुमको एकदम और ताकत दे दे मारो इस शुरू को यहाँ पर तो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान टी टी पी टी टी पी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये यह यह यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े आतंकवादी हमलाओं को अंजाम देता है यहाँ पे अभी हालिया घट्टा में यहाँ एक जगह है मीर अली पाकिस्तान के इस एरिया में है मीर अली यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने हमला किया और सात

ये लोग भी कहा है कि भाई हम अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे और यहां की आर्मी जो थी अफगानिस्तान में घुस गई यहां से अफगानिस्तान में जाके बंबार्डमेंट करके चले आए सब अब अफगानिस्तान में है तालिबान की सरकार तालिबान का कहना है कि तुम हमारे हमारे किया है हमारे कई सिविलियन मारे गए आम जनता मारी गई बम गिरा के चला गया अब हम तुमको बदला लेंगे यहाँ पे अब तालिबान वालों ने अपनी पूरी सेना लगा दी है अब ये वही तालिबान वाले हैं जो अमेरिका को मार के भगाए हैं सब दस साल लड़ के रशिया को मार के भगा दिया सब और बीस साल लड़ के ये लोग भगा दिए सब यूएसए को अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ भाग के गए हैं अंग्रेज जब हम लोग के शासन करते थे तो इसे बहुत पहले ही स्वतंत्र कर दिए थे भाई हटाओ इसको यहाँ पे बवाली है सभी सब सिकंदर यहाँ लड़ रहा था तो उसकी माँ पूछी कि तीन साल से तुम एक जगह यहाँ पे काहे लड़ रहा है तो सीखा अंदर कहा कि भाई उठ पटांग जगह है यहाँ पे इन लोग को ना अफगानिस्तान वालों को जीडीपी ह्यूमन ग्रोथ इन पर कोई मतलब नहीं बस मारो ससुरु को अब ये यहाँ पे लगा दिया पूरी अफगानिस्तान वाली सेना लगा दी है सब यहाँ पर और अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान है उसके पास एकदम लेटेस्ट हथियार है वो अमेरिका वाले हथियारों को यूज़ कर रहे हैं सब वहाँ पर तो इस एरिया में अब पाकिस्तान क्या करें तो पाकिस्तान यहाँ पे अपने टैंक्स को खड़ा किया हालिया में पाकिस्तान चाइना की मदद से टैंक बनाया चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक टैंक बनाया और उस टैंक का नाम रखा हैदर चाइना हैदर टैंक टैंक चाइना पे जबकि ये चाइनीज टैंक है इसका नाम बदला गया हैदर टैंक चाइना इस टैंक को यूज नहीं करता है वो पुराना हो गया तो चाइना इसको दे दिया ये क्या किया उसका ढांचा वाचा बदल के उसके नाम रख दिया है हैदर टैंक अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है उसका हैदर टैंक पागल हो गया है मार रहा है तो निशाना गलत लग जा रहा है अभी अभी सोचिए उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इसकी जरूरत है उसका मेन बैटल टैंक पागल हो गया है अपने से फायरिंग कर रहा है पाकिस्तान पूरी तरह परेशान हो गया अब लोग चाइनीज सामान तो क्या होगा ये सब चाइनीज सब कोई भरोसा है यहाँ चाइनीज का और ये लोग बैंड पार्टी वाले सब नहीं बैंड पार्टी नहीं है ये उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ पे हालांकि ये सब हम लोग का ये वाला ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाला पहनता है आगे समझते हैं अब पाकिस्तान का ये एरिया तो देखे अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान ये वाला एरिया में इस बलूचिस्तान की अलग समस्या है बलोच लोगों का पाकिस्तान बलोचों पर बड़ा जुल्म करता है यहाँ पे बलोच इसे मार के भाग गए ईरान में ईरान में भागे सब पाकिस्तान का मन बढ़ा था पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया ईरान ने कहा कि भैया हम भी तुमको मारेंगे ईरान बोलता है कि हम भी तुम्हें मारेंगे यहाँ पर तो ईरान भी भड़क गया है इन लोग के ऊपर यहाँ पर हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का बी वालों का कहना है कि जब तक ये बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता है यहां पर हमले जारी रहेंगे और यही बलूचिस्तान वालों का है नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते और हम लोग भी कहते हैं कि बलोच वाले लोग हम आपके साथ खड़े हैं एकदम रहिए यहाँ पे और बलोच वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं अपने बलोच भाइयों को कि उन्नीस सौ करना हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े थे पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान से तोड़ लोग उसी तरह हम लोग इस बार भी बलोच वालों के साथ खड़े हैं भाई तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बलोच के साथ है, तो हम लोग को तो क्या दिक्कत है हम तो वैसे भी रहेंगे मारो ससुरो इसको यहां पे अब ये मार के भाग जाते हैं ईरान में अब ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर बस ईरान उठा तो मार दिया इसके ऊपर यहाँ पर तो ये बलोच वाला समस्या हो गया ईरान के पास ये एरिया का नाम है सिस्तान ईरान के पास इस एरिया का नाम है सिस्तान हालांकि सिस्तान में सुन्नी बहुल एरिया है वो इन पे हमला कर देते हैं और जब ये आता है तो ये लोग भाग आते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में हालांकि हमारे लिए सिस्तान का एरिया शांत रहना जरूरी है क्योंकि भारत ने यहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है और अच्छा, इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग जाहेदान तक रेलवे लाइन ले जाएंगे और यहाँ से फिर कंधार और काबुल तक रेलवे लाइन ले जाएंगे ये रेलवे लाइन बहुत ज़रूरी है यहाँ तक इसके बाद हम दुसाम्बे तक ले जाएंगे यहाँ एरिया में जैसे हम लोग अपना ले जाएंगे तो दुसान्बे में हमारा यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है हमारी यहाँ वायुसेना रहती है और ये वायुसेना इतनी जरूरी इसलिए है कि चाइना भले बड़ा देश है लेकिन चाइना का जितना ऑयल रिजर्व है ऑयल के कुएं जो स्टोरेज है वो सारा यहाँ है यहाँ से एयरफोर्स अगर इस पर आक्रमण कर देती है पूरा इसका ऑयल सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो हमेशा इंधन वाले एरिया पर कब्जा करके रखना है? जरूरी होता है तो काफी ज्यादा दोनों देशों के बीच इस मामले में अभी टेंशन चल रहा है हालांकि नई गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ से ना इधर कोई उग्रवादी संगठन आए ना यहाँ से इधर आए लेकिन भैया ये पाकिस्तान इसका निर्माण ही हुआ गलत तरीके से करके आतंकवादियों ने ही इसका निर्माण किया और यहाँ पे ना वो टीटीपी मानने वाला है अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं सब अशांति रहे और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई अपने चरम पर पहुँच गया आई एम एम बेल पैकेज पे पैकेज दिए जा रहा है चाइना का लोन अपने हाई टर्म्स बढ़ गया इसके बाद भी ये सूचरा अपने लिए फाइव फाइव फिफ्थ जनरेशन का जहाज खरीद रहा है इसके बावजूद इस सूचनों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमला करेंगे यहाँ पे किसी भी जगह पे सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी हमेशा इकोनॉमी अगर रहेगी तो कोई भी देश करेगा रसिया टूट गया इकोनॉमी के वजह से चाइना आज राज कर रहा है इकोनॉमी के वजह से पैसा नहीं रहेगा तो सब तबाह हो जाएंगे पैसा पे ध्यान ही नहीं दे रहा हालांकि नई गवर्नमेंट भी आई है वो सेना के हिसाब से ही आई है वहाँ पे पिट्ठू सरकार है यहाँ पे इसलिए पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट उससे बात करना भी नहीं चाहता क्योंकि किससे बात करेगा सेना का ही वहाँ दबदबा होता है सेना से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता है लोग आप इस टॉपिक को समझे होंगे एक एक बार तो सर खान सर ने काफ़ी एक दिन बाद एक बैक एंट्री मारी है और एक वो सही एक्सप्लेन कर रहे हैं जो एक चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक जो ख़राब है ना अब देखिए सबसे बढ़कर ये हमले जो है ना ये तो होते ही रहने हैं जैसे अब एक माहौल गर्म किया जा रहा है लेकिन उससे हट जो एक एक इकॉनमी को एक चीज़ें एक संभालने वाली है ना उस पर कोई बंदा नहीं ध्यान दे रहा है एक जो भी है ना दिन ब दिन यही हमें एक चीज़ देखने को है कि जो भी चीजें हैं ना वो एक एक हाई लेवल पर चली जा रही हैं लेकिन जो एक जो अवाम है बेचारी उनके आ, हाथ में कोई चीज भी नहीं आ रही ऐसे एक उनके एक बुरे हाल हो रहे हैं आप इधर एक आम आवाम के पास माइक लेकर चले जाए वो आपको एक अपनी एक रो धो कर ऐसी चीज़ें सुनाने लग जाएंगे लेकिन जब हम एक ऊपर वाले मीडिया पर आते हैं जैसे खान सर समझा रहे हैं वो हमें यही बस चीज़ें बता रहे होते हैं टीटीपी टीएलपी टी, -टी, टी जिसने हमला कर दिया जिसने हमला कर दिया ये दोनों हमले में बस एक चीज बाकी अच्छा सही, सही बात है लेकिन देखो ना एक पाकिस्तान में इतनी बुक्स के सब्जेक्ट नहीं है जितने इधर ग्रुप हैं ये मतलब ये वाले सही बात टी टी पी वाले एल एल पी वाले बी एल वाले तो ये मुझे मुझे लगता है कि ये फुल लेके कोर्स इन्होंने किया हुआ है। अब देखो ना वो मीम्स तो देखा होगा क्या मतलब के दिल बहुत ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान इनका जो बॉर्डर पे क्लेश वगैरह चलता रहता एक मंथ पहले जो है ईरान ने जो है खुद ही मतलब बिना पाकिस्तान को बताया हाँ वो वहाँ पे फंजगुर साइड पे एक जगह थी वहाँ पे गिर गया था वहाँ पे लोगों ने क्या हम लोगों ने जो हमारे हाज वो लोग दहशत गर्दी करते ट्रे हमारे एरिया में को, को, चीजें खराब करते हैं उन पे हमला किया होता है उसके इसके रिएक्शन पे पाकिस्तान फिर नेक्स्ट डे उन पे हमला किया होता है तो उनका फिर वापस जो है मसला जो सुलझा गया और कुछ ये सॉल्व कर दिया गया तो वो जो भी उनके बीच में जो मायदा वो आगा वो हुआ होगा जो हमारी प्रॉब्लम्स चल रही है तीनों देशों के आपस में और बिल्कुल ये सच और स्टिक बताया हर चीज को कि और इसमें एक चीज वो मिस करके कि ये सारी जो प्रॉब्लम ये लड़ाइयां हैं सिर्फ मजहब को लेकर और मजहब में फिरकाबाजी को लेकर और एक दूसरे से ये नफरत है हमारी शिया की सुन्नी को लेकर और सुन्नी को देवबंदी से लेकर देवबंदी को अहले हदीस से लेकर ये सारे आपस में मुठभेड़ है और एक दूसरे की गर्दनें उतार रहे हैं और मार रहे हैं एक दूसरे को और यही चल रहा है किसी भी देश की ईरान की को छोड़ के ईरान का कुछ हद तक उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उसने अपनी इकॉनमी अपने लोगों तक इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आने दी फिर भी कुछ बेहतर है लेकिन अफगानिस्तान बिल्कुल ही बेड़ा गर्क पाकिस्तान वो भी बेड़ा गर्क होने जा रहा है क्योंकि जितना हम कर्जों में डूब चुके हैं आगे कोई मुस्तकबिल और फ्यूचर नजर नहीं आता नहीं। ना कोई हुकूमत है ना कोई यहाँ पे चीज है ढंग की महंगाई है तो वो बिल्कुल अपने इंतहाओं पे है और ऊपर से हमारी नजर कहाँ पे है कि फिफ्थ जनरेशन हम खरीदेंगे समझ गए हो क्या चल रहा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर बुरे हालत हो रहे हैं और सच्ची में जहाँ पे मोदी जी सपोर्ट करे बलूचिस्तान को तो ऑब्वियसली हर एक इंडियन भी करेगा बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि कुछ पार्ट ऑफ पाकिस्तान और कुछ पार्ट ऑफ ईरान भी उनका था ओरिजिनली और जब डिवाइड हुआ है तो उनको दो टुकड़े कर दिए थे एक पाकिस्तान चला गया चला गया तो वो तो सदियों से बहुत ही परेशान है तभी तो वो जब भागते हैं तो वो उसी एरिया में आते है। है। वही तो, तो। चक्कर तो था और ठीक है वो अपने ऑपरेशन कर रहे रहे हैं हैं वो दिखा रहे है कि भैया हम तो पीछे नहीं हटेंगे और इसीलिए मैंने कहा था कि पीओ के वापिस आने का एक ये भी तरीका है कि भैया अगर हम कहेंगे पीओ के वापिस नहीं मिलता तो बलूचिस्तान भी तुम्हारा जाएगा तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो और आई होप तो वीडियो आपको पसंद आई होगी और पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज भी मैंने दिखाए हैं आपको और एक अफ़गानी बंदे का रिव्यू दिखाया और एक इंडियन बंदे का रिव्यू दिखाया तो आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताना और भाई इन लोगों ने आज से नहीं वो जैसे इनके पाकिस्तानी बोल रहा था कि इतने तो हमारे बुक नहीं जितने यहां है जितने यहाँ ग्रुप हैं तो भाई एक दिन में ग्रुप थोड़ी ना बने जब शुरू से बुक तुमने बनाई नहीं ग्रुप बनाए हैं तो आज वही ग्रुप ज़्यादा और उन्हीं का खामियाजा ये पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है और अभी भी बाज नहीं आते भाई ये लोग और बलूचिस्तान भी जाएगा इनके हाथ से और साथ में पीओके भी एक दिन एक दिन जाएगा क्योंकि तो इनके हाँ इनके यहाँ स्टेबिलिटी है नहीं तो जिस हिसाब से जिस ट्रैक पे जा रहे हैं धीरे धीरे कुछ दिन में अपने आप ही इनके हाथों से सारे कंट्रोल निकल जाएंगे और ये किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे बांग्लादेश तो अलग होता है तो चलो इनके यहाँ कुछ था कि मतलब एक कंट्रोल था एक स्टेबिलिटी थी थोड़ी बहुत इकोनॉमी भी थी लेकिन मुझे लग रहा है पीओके और बलूचिस्तान जाएगा तो इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो आप लोगों को क्या लगता है भाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद।